नमस्कार, वेलकम बैक टू ई पाठशाला। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम पूजा राय है और मैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में प्राइमरी स्कूल में असिस्टेंट टीचर के पद पर कार्यरत हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रेरणा सूची के बारे में। प्रेरणा सूची का जो पूरा डिटेल है, जो विद्यालय में हमें प्रेरणा सूची प्राप्त हुई है उसमें क्या क्या पॉइंट्स दिया गया है, उसमें जो कोड दिया गया है वो किन चीज़ों को मिलाकर बनाया गया है, इन सारी डिटेल्स को आज के वीडियो में हम अच्छे तरीके से समझेंगे। इससे पिछले जो वीडियोज थे उसमें हमने बात की थी मिशन प्रेरणा के बारे में और प्रेरणा लक्ष्य के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया जा रहा है, वहाँ जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मिशन प्रेरणा से रिलेटेड टॉपिक जो डिस्कस किए जाएंगे वो आप तक पहुँच पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं कि प्रेरणा सूची क्या है। हाँ, तो हम बात कर लेते हैं प्रेरणा सूची के बारे में। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि प्रेरणा सूची है क्या। तो प्रेरणा सूची जो है वो आम बोलचाल की भाषा में समझ लेते हैं, ऐसे तो रटने के लिए बहुत सारी परिभाषाएं आपको मिल जाएंगी। आम बोलचाल की भाषा में हम समझ लेते हैं कि प्रेरणा सूची जो है वो जिस कक्षा की होगी, चाहे वो भाषा की हो या गणित की हो, वो आपके प्रेरणा लक्ष्य जो आपको प्राप्त करना है, उस प्रेरणा लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बच्चे में किन किन दक्षताओं का विकास करना है, उन सारी दक्षताओं की एक सूची बना दी गई है क्लास वाइज और भाषा और गणित के लिए अलग अलग। यही क्या है, प्रेरणा सूची है। अब प्रेरणा सूची में कक्षा एक से कक्षा तीन के लिए जो भाषा और गणित दोनों में जो दक्षताएं दी गई हैं उनकी संख्या 14 है, और कक्षा चार और कक्षा पाँच में भाषा और गणित दोनों के लिए प्रेरणा सूची में जो दक्षताएं दी गई हैं उनकी संख्या 16 है। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि 16 यहाँ दक्षताएं इसमें दी गई हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। मेरे पास जो प्रेरणा सूची है वो कक्षा पाँच भाषा की प्रेरणा सूची है। सबसे पहला टर्म जो दिया है वो विषय, फिर कोड और फिर दक्षताएं दी गई हैं। विषय ये आपको दे दिए गए हैं, यहाँ दक्षताएं दे दी गई हैं। इन दक्षताओं को जब बच्चा प्राप्त कर लेगा तो कक्षा पाँच की भाषा का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। अब बात करते हैं इसमें जो समझने वाला पॉइंट है, बाकी आपको सब पता है। इसमें जो समझने वाला पॉइंट है वो ये है कि ये कोड कैसे हम समझेंगे, कि ये कोड क्या बता रहा है। तो आप जब देखेंगे, जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया कि प्रेरणा सूची जो है मेरे पास वो कक्षा पाँच भाषा की प्रेरणा सूची है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला जो कोड है वो क्या है, H501। क्या है H501? एच जो है वो ये बताता है कि ये हिंदी, एच जो है वो ये बताता है कि ये किसकी प्रेरणा सूची है, तो हिंदी की है। पाँच जो बताता है वो कक्षा को बताता है, और लास्ट के जो दो टू डिजिट्स बताते हैं 01 मिलके, वो ये बताता है इसका दक्षता की नंबरिंग बताता है, यानी कि ये पहली दक्षता है, यानी कि ये हिंदी की कक्षा पाँच की पहली दक्षता है ये। ऐसे ही हिंदी की कक्षा पाँच की दूसरी, तीसरी, चौथी, और ऐसे ही आप लास्ट तक देख सकते हैं कि यहाँ 16 दक्षताएं हिंदी भाषा प्रेरणा सूची में। भाषा की कितनी दक्षताएं हैं कक्षा पाँच के लिए, तो 16। गणित के लिए भी 16। कक्षा चार और कक्षा पाँच दोनों के लिए जो प्रेरणा सूची में दक्षताओं की संख्या है वो 16-16 है, और कक्षा एक से कक्षा तीन के लिए जो प्रेरणा सूची में भाषा और गणित दोनों के लिए दक्षताओं की संख्या है वो 14-14 है। तो इतना आपको याद रखना है कि 14-14 दक्षताएं जो है वो कक्षा एक से कक्षा तीन के लिए है, और कक्षा चार और कक्षा पाँच के लिए 16-16 दक्षताएं। अब यहाँ एक बात के लिए सॉरी कि मेरे पास केवल यही एक, वो भी मैंने प्रेरणा तालिका से इसको कैसे भी करके वो किया है, क्योंकि आपको पता होगा कि विद्यालय में सारे प्रेरणा सूची चस्पा हो चुके हैं, ये एक्स्ट्रा एक बचा था, तो जिससे मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बना लिया जाए छोटा सा। मेरा मेन जो एम है इस वीडियो बनाने का वो इस कोड को ही समझाना है, और बाकी इस
दक्षता को बताना है कि दक्षता वही है उस क्लास के प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करवाना, यानी कि ये सारी जो दक्षताएं अगर बच्चे प्राप्त कर लेते हैं तो वो उस कक्षा के प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। तो आपने जैसे देखा यहाँ कि ये हिंदी H यानी हिंदी, 5 यानी कक्षा 5, 01 यानी कि पहली दक्षता, कक्षा 5 के हिंदी की पहली दक्षता, ऐसे दूसरी तीसरी ऐसे, यानी कि पहला जो टर्म है, पहला जो H दिखा रहा है वो हिंदी दिखा रहा है, वो ये बता रहा है कि ये भाषा का है कि गणित की, दूसरा कक्षा को दिखा रहा है और लास्ट का नंबरिंग बता रहा है कि कौन सी दक्षता है। अब यही मान लीजिए ये भाषा कक्षा 5 के भाषा की न होके गणित की होती तो यहाँ एच के जगह पे एम हो जाता। आप देख, आप अपने विद्यालय में प्रेरणा सूची को एक बार ध्यान से देखिएगा तो आप पाएंगे कि या तो यहाँ एच होगा नहीं तो एम होगा। जब एच होगा तो आप जान जाएंगे कि ये भाषा की दक्षता को दिखा रहा है, और जब एम होगा एम यानी मैथमेटिक्स, आप जान जाएंगे कि वो गणित की दक्षता को दिखा रहा है। और अगर कक्षा 4 का होता तो यहाँ 4 होता, नंबरिंग यहाँ 0 से 1 से लेके ऐसे ही होता। अगर ये कक्षा 3 का होता, प्रेरणा सूची होती, तो यहाँ क्या होता, H और यहाँ 3 और यहाँ 0 1 होता। और अगर ये कक्षा 2 के मैथ का होता तो यहाँ M हो जाता गणित का, यहाँ 2 हो जाता क्योंकि कक्षा क्या है 2 है, और नंबरिंग 0 1 से 0 यहाँ 14 तक रहती। कक्षा 1, 2, 3 के लिए 14 और कक्षा 4 और 5 के लिए 16 दक्षताएं हैं। प्रेरणा सूची में बस इतना ही था, कोई और विशेष बात नहीं है। अगर आप लोगों को और कुछ इसमें जानकारी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा है ये वीडियो देखने के बाद प्रेरणा सूची से रिलेटेड सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। उसमें जो सारे टर्म्स दिए गए हैं, जो कोड दिए गए हैं, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।